नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 11 अक्टूबर खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एसएच के निर्माण से इन 9 जिलों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। कॉलेजों में डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए उच्चतर शिक्षा परिषद ने जारी किया पत्र। लालू यादव आज जा रहे हैं सिंगापुर। विपणन कार्यक्रमों में हस्तशिल्प कारीगरों की हिस्सेदारी के लिए पोर्टल किया गया शुरू। आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका निर्णायक मैच में बारिश डाल सकती है अड़ंगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने सुनी 49 फरियादियों की फरियाद। बीते दिन सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चार देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में जनता दरबार लगा। मुख्यमंत्री ने बिहार के अलग अलग जिलों से आए करीब 49 फरियादियों की फरियाद सुनी और त्वरित निष्पादन हेतु अधिकारियों को निर्देश भी दिया। इस दौरान जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीति एवं समाज में गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में जयप्रकाश नारायण का प्रमुख स्थान रहा है। महान व्यक्तित्व, जुझारू प्रवृत्ति और साहसी अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता के गुणों से ओतप्रोत जयप्रकाश नारायण किसी वर्ग विशेष के न होकर भारत के युवा से लेकर सभी उम्र के लोगों के जननायक माने जाते हैं। जनता ने इन्हें लोकनायक का नाम दिया। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के छपरा लेके सिताबदियारा ग्राम में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। भारत की आजादी के संघर्ष की कहानी जयप्रकाश नारायण के अध्याय के बिना अधूरी मानी जाएगी। उनके अदम्य साहस के कारनामे उनके व्यक्तित्व को भारत के महान सपूतों में शुमार करता है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस अवसर पर राज्य में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया है। स्टेट हाईवे के निर्माण से इन 9 जिलों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। बिहार में 7 स्टेट हाईवे के निर्माण को लेकर हरी झंडी मिल गई है। इन स्टेट हाईवे के निर्माण से बिहार के 9 जिलों को फायदा मिलने वाला है। इन जिलों की सूची में पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज, नवादा, सहरसा और बांका जिला का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक 275 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण कार्य साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण के लिए ADB से ऋण की सहमति भी मिल चुकी है। वहीं स्टेट हाईवे 105 का निर्माण पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया से नरकटियागंज तक 35.70 किलोमीटर लंबाई में निर्माण होगा। साथ ही इस हाईवे के निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर बिहार में एक दिन का राजकीय शोक। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर बिहार सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया। मालूम हो कि बीते दिन सोमवार की सुबह समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज दिल्ली के मेदांता में हो रहा था। नेताजी नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के निधन से बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी शोक की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत सत्ता और विपक्ष के सभी नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। ड्यूटी के दौरान गायब रहने वाले डॉक्टर्स को सीएम की चेतावनी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के डॉक्टरों को दो टूक में कह दिया है कि उनकी लापरवाही अब नहीं चलेगी। दरअसल बीते दिन जनता दरबार में आई एक शिकायत से सीएम डॉक्टरों पर भड़क गए, जहां मधेपुरा से आए एक फरियादी ने कहा कि हॉस्पिटल में मरीज लाइन लगाए बैठे रहते हैं लेकिन डॉक्टरों का पता नहीं रहता। आते भी हैं तो टाइम पूरा होने का हवाला देकर इलाज अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। सीएम नीतीश डॉक्टरों की कार्यशैली को लेकर भड़क उठे और कहा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो, ये जिम्मेदारी प्रबंध मुख्य सचिव को दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी करनी है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। मालूम हो कि इससे पहले खुद डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य विभाग मंत्री तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों की अस्पताल में ड्यूटी के दौरान गैर मौजूदगी को लेकर सख्ती बरतने की बात कही थी। रेलवे की ओर से फिर मिली 2 पूजा स्पेशल ट्रेनें। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहारियों के लिए पर्व ही नहीं बल्कि इमोशन माना जाता है। घर में छठ पर्व हो या ना हो, कई लोग अपने गांव घर, दोस्तों और रिश्तेदारों के घर में होने वाले छठ पूजा में शामिल होना पसंद करते हैं। ऐसे में छठ जैसे पर्व के समय बिहार आने वालों की संख्या में कई गुना यात्रियों की भीड़ देखी जाती है। संभावित यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पूर्व से चल रहे पूजा स्पेशल ट्रेन के अलावा 2 जोड़ी ट्रेनें और भी चलाने का फैसला लिया है, जिसमें
ट्रेन संख्या 04010 या 04009 आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी साप्ताहिक और 04022 या 04021 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन 18 और 22 अक्टूबर से किया जाएगा। इससे कंफर्म टिकट मिलने का मौका मिलेगा। लालू यादव आज जा रहे हैं सिंगापुर। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज सिंगापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। लालू यादव के सिंगापुर जाने की चर्चा बहुत पहले से है, क्योंकि डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है। कहा गया है कि लालू यादव की किडनी खराब हो चुकी है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लालू यादव ने सिंगापुर को चुना है, जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी रहती हैं। वहीं सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता का आंकड़ा भारत से बेहतर है। बताते चले कि राज्य की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 16 सितंबर 2022 को लालू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पासपोर्ट को रिलीज कर दिया था। अरण्य देवी मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है अरण्य देवी मंदिर। बिहार के आरा में स्थित अरण्य देवी मंदिर, जो देवी पार्वती का अवतार है, यह हजारों तीर्थ यात्रियों द्वारा दौरा किया जाता है और मंदिर में उनका विश्वास भावपूर्ण है। देवी की मूर्ति काले पत्थर से बनी है, जो अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है। मंदिर काफी मनमोहक है और इसके पास आपको एक स्थानीय बाजार भी मिल जाएगा। यह स्थान अत्यंत दिव्य है और अधिकांश पर्यटक यहां अपने आशीर्वाद के लिए आते हैं। असमय आई बाढ़ ने लोगों का जनजीवन किया तबाह। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्तरी बिहार एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में आ गया है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने सोमवार को सारण तटबंध के निचले इलाकों में बसे सैकड़ों घरों को अपनी आगोश में ले लिया है। असमय आई बाढ़ के कारण सारण तटबंध के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की तैयार फसलों के अलावा मक्के, अरहर एवं सब्जियों की फसलें जलमग्न हो गई। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक का जल स्तर अधिकतर जगहों पर लगातार बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग ने कहा कि विभाग की टीमें पूरे राज्य में तटबंधों की सुरक्षा में तत्परता से जुटी है। कॉलेजों में डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए उच्चतर शिक्षा परिषद ने जारी किया पत्र। अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार के सभी कॉलेज स्मार्ट होंगे। दरअसल बिहार के कॉलेज और विश्वविद्यालय में अब ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि डिजिटल बोर्ड लगाया जाएगा। यह विशेष प्रकार की एलईडी स्क्रीन या टीवी है। यह एक तरह का डिजिटल बोर्ड होगा, जिसका इस्तेमाल टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए करेंगे। इस तरह के बोर्ड सर्वप्रथम पहले चरण में पटना वुमेन्स कॉलेज, एएन कॉलेज पटना, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना सहित 17 कॉलेजों में लगाए जाएंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 5-5 डिस्प्ले या डिजिटल बोर्ड मुहैया कराए जाने हैं। उच्चतर शिक्षा परिषद के निदेशक असंगबा चुबा आयो ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र लिख दिया है। विपणन कार्यक्रमों में हस्तशिल्प कारीगरों की हिस्सेदारी के लिए पोर्टल किया गया शुरू। केंद्र ने विपणन कार्यक्रमों में हस्तशिल्प कारीगरों के हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल indian.handicraft.gov.in या EN शुरू किया है। विकास आयुक्त के कार्यालय ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह हस्तशिल्प कारीगरों को पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग मंच प्रदान करता है। कारीगरों को उनके उत्पाद बेचने में सहायता करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में हर साल लगभग 200 घरेलू विपणन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदन से लेकर चयन तक की ऑनलाइन प्रक्रिया और अंत में स्टॉल आवंटन पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है। यह ऑनलाइन प्रक्रिया सभी कारीगरों को समान, निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर प्रदान करेगी। स्कूलों की दयनीय स्थिति पर कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बिहार सरकार ने 6,564 प्राइमरी और मिडिल सरकारी स्कूलों को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में उत्क्रमित कर दिया है, लेकिन इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। शुद्ध पेयजल, शौचालय, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को 1 नवंबर 2022 तक हलफनामा दायर कर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी। पोस्ट मानसून में जमकर बरस रहा बदरा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 3 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है। वहीं बुधवार और गुरुवार को भी कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, भागलपुर, मुंगेर, गया, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत अन्य जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। हालांकि सीमांचल में मौसम सामान्य रहने का अनुमान बताया गया है। के साथ वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा।
मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार 11 अक्टूबर यानी आज गरज के साथ आंधी बारिश होगी, साथ ही 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की चलने की संभावना है। दिवाली से पहले ही इन 4 शहरों में पटाखों पर लगा बैन। दिवाली से पहले ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 शहरों में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विश्लेषक का कहना है कि पटाखा जलाने की वजह से वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इन्हीं कारणों से पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर शहर में पटाखा बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही इस संबंध में सभी जिलों के DM को पत्र जारी कर कहा कि आप भी अपने अपने जिले में किसी भी तरह के पटाखे बेचने जलाने से सख्त रोक लगाए। छठ पूजा की राह मुश्किल कर रहा बेमौसम बाढ़। बिहार में बिन मौसम बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी ओर छठ को लेकर भी लोगों को चिंता सताने लगा है। राज्य में हो रही बारिश से राजधानी पटना में छठ पूजा पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से गंगा नदी उफान पर है। गौरतलब है कि आमतौर पर दशहरा के पहले ही गंगा का जलस्तर घटना शुरू हो जाता है और पूजा के लिए घाटों पर स्थान की उपलब्धता हो जाती है, लेकिन इसके उलट दशहरा के बाद गंगा में करीब 2.5 फीट बढ़ गया है। जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से छठ महापर्व के लिए घाट निर्माण कार्य में बाधा खड़ी हो गई है। DM चंद्रशेखर ने इस स्थिति को देखते हुए घाटों का निरीक्षण नगर निगम और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की 20 संयुक्त टीम से ताजा स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इन 3 NH प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, समस्या का निकला हल। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उच्च स्तरीय बैठक में एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी योजनाओं की रुकावटें अब जल्द दूर हो जाएंगी और जमीन अधिग्रहण की समस्या भी जल्द खत्म हो जाएंगी। दरअसल बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और NHAI के अफसरों के अलावा संबंधित जिलों के DM और जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने इस समस्या का हल निकाल लिया है, जिससे भारतमाला परियोजना में शामिल आमस, दरभंगा NH 119D, हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 77 और NH 80 के निर्माण में आ रही जमीन अधिग्रहण की समस्या अब खत्म होगी और जल्द ही इस सड़क का निर्माण कार्य तेजी से होगा। बता दें कि यह तीनों NH काफी महत्वपूर्ण है, इससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की संपर्कता सुगम होगी। 2 दिन के अंतराल में जदयू को दूसरा झटका। 2 दिन के अंतराल में जदयू को दूसरा झटका लगा है। बीते दिन जदयू की विधायक रही गुड्डी देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने बीते दिन BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि इससे पूर्व शनिवार 8 अक्टूबर को देर शाम ललन सिंह, जो जदयू के साथ जुड़े हुए थे, जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी सोनम देवी को अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ मोकामा विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर लाया गया है। दिल्ली में गरजे लालू ने कहा मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। बीते दिन दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राजद राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जहां लालू यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव सहित राजद के सभी नेता और कार्यकर्ता ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। वहीं बैठक के दौरान लालू यादव ने अपने संबोधन में भाजपा को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को मूली की तरह देश से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल एक साथ आए, जो दल साथ नहीं आएंगे उन्हें देश की जनता माफ नहीं करेगी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में बैठे लोग देश के संविधान और देश का लोकतंत्र तबाह करने में लगे हुए हैं। हम 2024 की चुनौती को स्वीकार करते हैं, जिसके लिए ताल कटोरा से ताल ठोकने आए हैं। आज अमित शाह देंगे JP स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अमित शाह एक बार फिर से अपनी चुनावी दाव पेच लगाने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज JP के गांव सिताबदियाड़ा पहुंचेंगे। इस दौरान जयप्रकाश नारायण स्मारक ट्रस्ट लाला टोला सिताबदियाड़ा को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा। इसका लोकार्पण आज JP की जयंती पर 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। साथ ही अमित शाह विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार में 20 दिन के अंदर ही दूसरा दौरा है। मोकामा गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला। मोकामा विधानसभा क्षेत्र और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने से पहले पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने पटना के 8 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। दरअसल मोकामा उपचुनाव को लेकर पहले से BJP पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठा रही है। इसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार घोसवाड़ी थानाध्यक्ष संजीव मैयार, भदौर थानाध्यक्ष निवास कुमार, पंचमहला
ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार और मराठिया थाना अध्यक्ष अनिल कुमार को नवीन पुलिस केंद्र पटना मिला। वहीं बाढ़ थाना में तैनात जेएसआई अनिरुद्ध कुमार को घुसवड़ी का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। एनटीपीसी में तैनात जेएसआई रामानुज को भदौर का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ 8 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका निर्णायक मैच में बारिश डाल सकती है अड़ंगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला मंगलवार यानी आज 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में खेला जाएगा। फिलहाल 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर है। इसके लिए तीसरा मुकाबला दोनों के लिए बेहद अहम होने वाला है। रविवार को हुए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफ्रीकी टीम को 7 विकेट से मात देते हुए सीरीज को बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं वे मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, लेकिन दिल्ली में हो रही आफत वाली बारिश को देखते हुए मैच में अड़ंगा लग सकता है। यहां रोजाना बारिश हो रही है। मंगलवार को होने वाले भारत साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे मुकाबले में भी बारिश खेल बिगाड़ सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और शिक्षाविद मगन भाई देसाई का जन्म 1889 में हुआ। समाजसेवी चंडिका अमृत राव देशमुख का जन्म 1916 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ और प्रख्यात समाज सेवक नानाजी देशमुख का जन्म 1916 में हुआ। भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में हुआ। भारतीय वैज्ञानिक विजय पी भटकर का 1946 में हुआ। कलकत्ता में 1737 ईस्वी को भूकंप से 3,00,000 लोगों की जान चली गई। आधा शहर इस प्राकृतिक आपदा में तबाह हो गया था। भारत की शांति सेना ने 1987 को श्रीलंका में ऑपरेशन भवन की शुरुआत की। यह अभियान लिट्टे का कब्जा खत्म कर जाफना को मुक्त कराने के लिए छेड़ा गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 को नौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की घाटी से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे 4G सेवा को 5G में अपग्रेड करने के प्रोसेस के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 4G से 5G में अपग्रेड करने के प्रोसेस के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्विटर अकाउंट से दिल्ली पुलिस के एक ट्वीट को रिट्वीट कर यह जानकारी दी है कि 5G सेवाओं के लिए OTP की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना OTP कभी भी किसी से साझा न करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हालांकि बिहार में अभी 5G सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिस भी शहर में 5G सेवा उपलब्ध है, कृपया ऐसे फ्रॉड से बचें, सतर्क रहें। अगर आपको भी फोन ब्लास्ट होने का सताता है डर, तो ना करें ये गलती। क्या आपको भी हमेशा स्मार्टफोन फट जाने का डर सताता है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये गलतियां आप अपने फोन के साथ ना करें। हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे बचकर आप अपने स्मार्टफोन को फटने से बचा सकते हैं। पहले ये कि अगर आप लोकल चार्जर का यूज करके स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप हैवी गेम्स अपने स्मार्टफोन में लगातार खेल रहे हैं तो इसकी वजह से भी स्मार्टफोन ब्लास्ट हो सकता है। अगर आप गर्मी के मौसम में अपने मोबाइल को अपने लेदर के बैग में रखकर घंटों तक इस्तेमाल करते हैं तो इस बात की काफी संभावना बनी रहती है कि स्मार्टफोन में ब्लास्ट हो सकता है। बिग बी के गुड बाय का फैंस पर नहीं चल सका जादू। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। जन्मदिन पर क्या करना है इसके बारे में तो खूब योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन इस दुनिया को कैसे अलविदा कहना है इसकी योजना भला कौन बनाता है? इसी के आसपास निर्देशक और लेखक विकास बहल ने फिल्म गुड बाय की कहानी रची है। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना स्टारर गुड बाय बिग बी अमिताभ बच्चन के जन्मदिन से पहले 7 अक्टूबर को ही रिलीज हो गई थी। हालांकि यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक गुड बाय के तीसरे दिन के कलेक्शन में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। फिल्म ने पहले दिन 1.2 करोड़, दूसरे दिन 1,59,00,000 और तीसरे दिन करीब 1,50,00,000 का बिजनेस किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय शर्मा, सरिता पासवान, मंतोष शर्मा, राकेश शर्मा, रंजीत कुमार ठाकुर, मनोज पासवान, कृष्ण मुरारी यादव, अतीक खान, राजेश्वर कुमार, मंगिता भारती, रंजीत कुमार, बीरेंद्र कुमार और विद्यासागर यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार में अभी तक के सबसे लोकप्रिय नेता कौन रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।